Hello class 9th, how are you? Hope you will be fit and fine, and I hope you will also be doing well in your studies. Just one message from my side, just to remain safe and alert to protect yourself from so called coronavirus. So इधर कई दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट. एंड आज हम लोग पढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक की जो दूसरी अनदर पोएम है, जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ. रेन ऑन द रूफ कंपोज बाय कोट्स स्किनी. तो कोट्स स्किनी यहाँ पर उन्होंने रेन के बारे में बात की है इस पोएम में. और वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू एड इज प्लीज ओपन योर बुक एंड एट पेज 41, पेज नंबर 41 पर आपने इसे ओपन कर ली. आपकी टेक्स्ट बुक है रेन ऑन द रूफ. और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तीन स्टेंट हैं, क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड अदर नेसेसरी एक्सप्लेनेशन. तो रेन, आप सबने इसको इंजॉय किया होगा, सबने इसको एक्सपीरियंस किया है. इट्स वेरी कॉमन अफेयर फॉर यू फॉर अस. लेकिन पोएट, आप जानते हैं कि दे आर वो बहुत ही ऑब्जर्विंग नेचर के होते हैं, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्पेशल ढूंढ लेते हैं. सो इन दिस पोएम पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एफेक्ट जो रेन क्रिएट करता है, टॉकिंग अबाउट द एफेक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड बाई रेन. और इसी के बारे में बात करना है. आप जानते हैं कि मुझे तो लगता है कि बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम भी है रेन के बारे में बात करने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो जून का महीना है वो रेनी सीजन का महीना माना जाता है. मानसून अराइव या तक हमारे यहाँ पर पहुँच जाता है, बारिश होती है, तो अच्छी बात है. एंड आज हम रेन के कुछ इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है. यहाँ पर पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेन के जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं या फिर वो जो हैप्पीनेस हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, उसके बारे में बात की है. आप लोग भी कभी कभी अपने घर के अंदर सोते हैं और सोते समय बारिश होती है एट नाइट टाइम, तो यू फील प्लेजेंट, यू फील हैप्पी. और भी कुछ सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि पोएट ने यहाँ पर बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और इस पोएम के थ्रू वो ये हमें बताना चाहता है कि अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो अच्छी बात, और नहीं किया है तो अब कोशिश कीजिए, देखिए व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय रेन, जिसको कि रेन क्रिएट करता है हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में. रेन पोएट यहाँ बता रहा है कि रेन जो है एक तरीके से उसको नॉस्टैल्जिया मिले जा रहा है. नॉस्टैल्जिया मतलब उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है, उसकी पुरानी यादों को एक तरीके से रिफ्रेश कर रहा है. तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया, इस पोएम में तीन स्टेंजा है. एंड अगर आपके सामने बुक्स होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि इसमें तीन स्टेंजा है. और पहला स्टेंजा मैं आपके लिए रीड करूँगा. When the humid shadows hover over all the starry spheres and melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cotted chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain over it. I think it's quite clear. हम थोड़े से difficult words के बारे में बात करेंगे. तो पहला डिफिकल्ट वर्ड सबको क्या देखने को मिला, जिसमें हमें पहले देखने को मिला देखने को ह्यूमिड. दूसरा वर्ड ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर, नमी, जैसा कि आप जानते हैं. शैडोज शैडोज का मतलब जानते हैं परछाई होता है, लेकिन पोएट यहाँ पर इसको सिंबॉलिकली यूज कर रहा है, उसके थ्रू किसी और चीज़ की बात कर रहा है. तो शेडोज मतलब वहाँ पर क्लाउड्स की बात कर रहा है, जो आसमान में बादल होते हैं. होवर, होवर मतलब वांडर करना, इधर उधर टहलना, फ्लोटिंग अराउंड. तो उसके लिए उसने ये वर्ड यूज किया है.
melancholy. मेलेंकोली मतलब सैडनेस. तो मेलेंकोली के बाद एक वर्ड इसमें और यूज किया गया है पैटर. पैटर मीन्स क्या होता है? पैटर मीन्स होता है कि आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा ना कि जब रेन ड्रॉप्स किसी चीज को मतलब रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन एनी सरफेस जैसे कि आपके छत पर गिरते हैं यहाँ पे तो जो उनका अगर लगातार गिरने से जो साउंड क्रिएट होता है उसी को यहाँ पे पॉइंट ने पैटर्न साउंड जो है नॉट ऑन एवरी रूम कुछ स्पेशल रूम जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कहीं पर टीन शेड वगैरह होते हैं तो जो मेटल्स के मेटल के बने होते हैं उस पर जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है कंटिन्यूसली साउंड क्रिएट होता है उसी के लिए पॉइंट ने वर्ड यूज किया पैटर्न. सो साउंड ऑफ रेन व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी मेटालिक सरफेस तो उसी के लिए यहाँ पर पॉइंट ने वर्ड यूज किया पैटर्न. तो पैटर्न बेसिकली साउंड वर्ड है. तो दीज आर द टिपिकल वर्ड्स. अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू दिस स्टेंजा. स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहता है. सॉरी. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर ऑल द स्टारी स्पेस. सो ह्यूमिड शैडोज मतलब यहां पर क्या है. ह्यूमिड शैडोज रेफर्स टू व्हाट. ह्यूमिड शैडोज में यहां पर पोएट बात कर रहा है क्लाउड्स की बात कर रहा है. डार्क क्लाउड्स आप जानते हैं क्लाउड्स है ना दैट कंटेन्स ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच रिजल्ट इन टू रेन. जो बात में क्या होता है आपने उन लोगों को साइंस में रेन का पूरा प्रोसेस पढ़ाया गया. जो क्लाउड्स होते हैं उनमें क्या होता है मॉइस्चर होता है जो कि बाद में क्या होता है कंडेंसेशन के बाद क्या होता है रेन ड्रॉप्स के रूप में अर्थ पर गिरते हैं. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग डार्क क्लाउड्स उसने क्या यूज किया था उसने ब्यूटिफुली यूज किया ह्यूमिड शैडोज सिंपल के लिए यूज किया क्योंकि क्लाउड्स क्या होते हैं वो तरीके से मॉइस्चर कंटेन करते हैं और उसी वजह से उसने यहाँ पे क्या किया और डार्क भी दिखते हैं समटाइम्स. जो आप लोगों को पढ़ा करें क्लाउड्स में तो जो मॉइस्चर कंटेन ज़्यादा कंटेन करते हैं उनका जो कलर होता है कैसा रहता है डार्क हो जाता है. तो ह्यूमिड शैडोज रेफर्स टू डार्क क्लाउड्स. तो कह रहा है कि आप जैसे कि थोड़ा सा रेन के पहले हमें यहाँ पढ़ा क्योंकि वन इट इज अबाउट रेन तो रेन से पहले का प्रोसेस जो है कैसा होता है हाउ द एटमोसफियर लुक्स लाइक. एटमोसफियर कैसा दिखता है आप जानते हैं कि क्या होता है पूरे आसमान में क्या होते हैं बादल छाए रहते हैं. डार्क क्लाउड्स द होल स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड होवर. होवर मतलब फ्लोट. क्लाउड स्टार्ट फ्लोटिंग हियर एंड देयर मतलब आसमान में बादल क्या होते हैं इधर उधर मंडराने लगते हैं वंडर करने लगते हैं आप लोगों ने देखा होगा. तो एक तरीके से आप इसको यहाँ पर कोई प्रैक्टिकली बात कर रहा है इसको खुद ही आप लोगों ने महसूस किया होगा. ओवर ऑल द स्टारी स्पेस किसके ऊपर स्टार्स के ऊपर. स्टारी स्पेस मतलब स्काई विच इज फुल ऑफ स्टार्स. देखते हैं रात में स्टार्स देखो तक उसके ऊपर जब बादल से आसमान घिर जाते हैं क्या होता है स्टार्स वगैरह सब क्या होते हैं हाइड हो जाते हैं छिप जाते हैं एक तरीके से दिखाई नहीं देते. तो इट मीन्स हम समझ जाते हैं नेचुरली वी अंडरस्टैंड कि अब क्या होगा बारिश होगी इट मे रेन बारिश हो सकती है. तो वही कह रहा है कि बिफोर रेन क्या होता है द होल स्काई इज कवर्ड विथ वॉट डार्क क्लाउड्स एंड विच रिजल्ट इन टू रेन. अब यहां पर आता है थर्ड लाइन में एंड मेलनकोली डार्कनेस. पोएट कह रहा है कि मेलनकोली डार्कनेस. स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा मेलनकोली मतलब सैडनेस उदासी तरीके से. तो कह रहा है कि जब डार्क क्लाउड से पूरा स्काई कवर हो जाता है एक तरीके से क्या होता है द होल एटमॉस्फेयर लुक्स डार्क. कैसा दिखता है डार्क दिखता है नॉट ओनली डार्क ऐसा लगता है कि वो उदासी है एक तरीके से चारों तरफ उदासी का माहौल बन जाता है. अ मोमेंट ऑफ साइलेंस विच इज व्हाट कैसा लगता है सैडनेस ट्रेवल्स एवरीवेयर. एक तरीके से आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बारिश से पहले जब बादल गिर जाते हैं तो होल एटमॉस्फेयर जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एकदम शांत हो जाता है सब कुछ ऐसा लगता है कि एवरीथिंग स्टैंड स्टिल. तो
थोड़ा सा अनप्रेजेंट लगता है. तो पोएट इसी को बोल रहा है कि एंड द मेलेंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टेल्स. कह रहा ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर रेन का बहुत देखिए कितना बढ़िया तरीके से उसने इसको यहाँ पर बताया है कि उसने इस चीज़ को कंपेयर किया है. कह रहा ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर रेन जो प्रोसेस ऑफ रेन को उसने कितना बढ़िया कंपैरिजन यहाँ पर प्रेजेंट किया है. कह रहा है कि जो डार्कनेस है, कह रहा ऐसा लगता है कि डार्कनेस जो है, जो डार्कनेस क्या होगी, सैड हो गई, मेलनकोली डार्कनेस. चारों तरफ कैसा माहौल है, सैडनेस का है, जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, जो सैड लगता है. और वो क्या करता है, जेंटली वीप्स इन मेनी टीयर्स. और जो उदासी है, जो डार्कनेस की जो उदासी है, वो क्या होती है, इट वीप्स. एंड वीप्स इन व्हाट, इन रेनी टीयर्स. मीन्स रेन इज कंपेयर टू टीयर्स. जैसे हम जब रोते हैं तुम्हारे आँख से आंसू गिरते हैं, हम कब रोते हैं, जब हम उदास होते हैं, सैडनेस महसूस होता है हमको. व्हेन वी फील अनप्रेजेंट, व्हेन वी फील सैड, व्हेन वी फील अनहैप्पी, तो क्या होता है, लेटर ऑन टीयर्स स्टार्ट फॉलिंग, है ना, हम लोग टीयर शेड करते हैं, मतलब तरीके से हमारे आंसू गिरते हैं. एग्जैक्टली इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को उसने आपको दिखाया है. कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स जो क्या, वो टीयर्स है. किसके टीयर्स हैं, टीयर्स ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरा है. क्योंकि उसमें बताना पड़ता है कि जो अंधेरा, जो डार्कनेस, वो क्या है, सैड है, मेलनकोली डार्कनेस, अनहैप्पी डार्कनेस वीप्स इनटू रेनी टीयर्स. जैसे हम जब उदास होते हैं तो हम क्या करते हैं, टीयर्स हमारी आंख से गिरते हैं, वी शेड टीयर्स. एग्जैक्टली व्हेन डार्कनेस इज अनहैप्पी इट शेड्स टीयर्स, बट उसके टीयर्स क्या है, रेन. किस तरीके से रेन को उसने क्या किया, टीयर्स से कंपेयर किया. कितना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया उसने यहाँ पर, कि हमारे रोने के प्रोसेस को उसने क्या किया, रेन से कंपेयर किया है, या रेन के जो प्रोसेस को उसने हमारे टीयर्स से कंपेयर किया है. कि जैसे हम अनहैप्पी होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं. उस तरीके से जब डार्कनेस अनहैप्पी है तो क्या करती है, वो टीयर्स शेड करती है. वो टीयर्स क्या है, रेन ड्रॉप्स. सो व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट. आगे देखते हैं. अब यहाँ पे चार लाइन है, उसमें मूड थोड़ा सा उसने सैड बनाया, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट का कॉन्ट्रडिक्शन देखें, विरोधाभास है यहाँ पर, कि कह रहा है जैसा लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है उसको उसने सैड बताया. द प्रोसेस ऑफ रेन अकॉर्डिंग टू पॉइंट इज व्हाट, सैडनेस वाला है, उदासी है, डार्कनेस वीप कर रही है, रो रही है ना. तो यहाँ पर डार्कनेस को सैड दिखाया गया, रेन ड्रॉप्स को क्या बताया गया है, रेन ड्रॉप्स को देखते तरीके से इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ हैप्पीनेस. उसने पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो तो जब डार्कनेस उदास होती है तब उसके टीयर्स गिर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि इसका एक पॉइंट के ऊपर क्या है, पॉइंट के ऊपर इसका दूसरा इफेक्ट है, पॉइंट थोड़ा अच्छा है. कह रहा है कि पॉइंट के लिए क्या है, व्हाट अ ब्लेस टू प्रेस द पिलो. कह रहा है कि जब बारिश होती है, पॉइंट अपने क्वार्टर चैम्बर में क्या है, लेटा हुआ है, और कह रहा है कि व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, व्हाट अ हैप्पीनेस, कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद मिलता है, कितना बेहतरीन लगता है जब टू प्रेस द पिलो, कि वाइल इट इज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है, पोएट अपने क्वार्टर चैम्बर में बेड में लेटा और उसको पता कि इसमें किस चीज़ को प्रेस करके, तकिए को प्रेस करके और लेटे हुए बड़ा अच्छा लगता है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ क्वार्टर चैम्बर बेड. अपने कॉटेज मतलब क्या होता है, छोटा सा कोई कुटिया टाइप का, घर टाइप का, उसको हम कॉटेज बोलते हैं, छोटा वगैरह, विच इज मेड ऑफ एनीथिंग, छोटा सा कमरा. तो कह रहा है कि वेन इट रेन्स इट इज ग्रेट फन टू लाई ऑन द बेड एंड प्रेस द पिलो. क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बारिश होती है, थोड़ा सा कूलिंग एटमोसफेयर में होता है, कूल हो जाता है और उसमें सोने बड़ा अच्छा लगता है. तो पॉइंट कह रहा है कि इसमें तकिए को अपने प्रेस करके, दबा करके और सर के नीचे अपने तरीके से क्या कर रहा है, पॉइंट कह रहा है अपने बेड पर लेटने में बहुत कह रहे हैं इमेंस हैप्पीनेस, पॉइंट को बड़ी खुशी मिलती है. व्हाट अ ब्लेस, ब्लेस मतलब हैप्पीनेस. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और क्या कर रहे हैं, लेटे लेटे क्या कर रहा है सुनना, पहले तो तकिए को प्रेस करके लेटने में बड़ा अच्छा लगता है, बट इसके अलावा अनदर आई डिंग समथिंग एल्स, लाई लिसनिंग, ऐसे लाइन मतलब लेटे रहना बड़े बड़े बेड पर, क्या कर
क्या सुनना? लिसनिंग, जो पैटरिंग साउंड है ऊपर से जो गिर रहा है रेन का, जो कि द साउंड विच इज क्रिएटेड बाय द फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ द रूफ, कि रूफ के सरफेस में जब उसके गिरने से क्या होता है, जो पैटरिंग साउंड क्रिएट हो रहा है, अगर उसको सुनने में सॉफ्ट रेन ओवर, मतलब कहा था ओवरहेड, ओवरहेड मतलब क्या सर, पोएट के सर पर नहीं गिर रहा है, क्योंकि पोएट अपने कॉटेज चैम्बर के बेड पे लेटा हुआ है, तो उसके जो कॉटेज का जो रूफ है उसके ऊपर बारिश की बूंदे गिरने से जो पैटरिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, उसको सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है पोएट को। और कह रहा है कि पोएट अपने लिए नहीं बता रहा एक तरीके से, इट टेल्स अस कि हम लोगों को भी, हम लोग भी इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो हैव दिस फन। सो व्हाट अ क्लोज ऑब्जर्वेशन। सो पहले जो चार स्टेप जो है पोएट उसमें बता रहा है रेन के बारे में, कि रेन क्या है, इट जस्ट क्या है, इट व्हेन डार्कनेस गेट्स सैड इट रिजल्ट्स इनटू रेन, जब डार्कनेस दुखी होती है तो क्या होता है, रेन होता है। लेकिन कह रहा है कि ऑफ कोर्स डार्कनेस भले ही सैड होती है और वो रोती है रेन ड्रॉप्स के रूप में, लेकिन कह रहा है पोएट को क्या मिलता है, पोएट फील्स इमेंस हैप्पीनेस, उसको बहुत खुशी मिलती है व्हाइल लाइंग ऑन हिज कॉटेज, ऑन हिज कॉटेज चैंबर बेड एंड लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड ऑफ रेन एंड प्रेसिंग द पिलो। अगर आपने तकिए को दबा करके बेड पर लेटे लेटे रेन ड्रॉप्स के साउंड को सुनना, कह रहा है इसमें उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, उसको बड़ी शांत के तरीके से बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही आनंद का अनुभव होता है उसको। सो ये था पहला स्टेंजा कि पोएट क्या कह रहा है, व्हेन रेन हैपेंस, व्हेन बिफोर, जब रेन कैसे हैपेंस होता है, चारों तरफ आसमान में क्या होते हैं, काले काले बादल गिर जाते हैं, एक जैसे लगता है कि चारों तरफ एक सैडनेस का एटमोसफियर बन जाता है, जैसे लग रहा है कि डार्कनेस क्या है, सैड हो चुकी है, मेलनकॉली डार्कनेस है। डार्कनेस को क्या बताया गया यहाँ पर, सैड बताया गया, कि व्हेन डार्कनेस गेट्स सैड एंड दैट लेटर रिजल्ट्स इनटू रेन, तरीके से वो डार्कनेस गेट्स सैड एंड इट वेप्स एंड इट रिजल्ट्स इनटू रेन। तो यहाँ पर ये था पहला स्टेंजा जिसका कि एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्लियर किया। यहाँ पर पोएट ने कुछ चीज़ें और यूज की, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस, और लिटरेरी डिवाइस में आपको बता चुका हूँ कि इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस को किससे बताया गया है, डार्कनेस को एज अ पर्सन बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, जब किसी ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या किसी ऐसे जो कि किसी एनीथिंग उसको जब हम एक पर्सन के रूप में प्रेजेंट करते हैं, किसी ह्यूमन की जो हैबिट होती है उनके नेचर के होते हैं उनकी तरह प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है पर्सोनिफिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, डार्कनेस को क्या बताया गया कि वो रो रही है, तो रोने का प्रोसेस कौन करते हैं, ह्यूमन बींग, ये हमारा एक नेचर है, हमारा एक प्रोसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, इसको प्लीज नोटिस कीजिएगा, इसमें एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया पर्सोनिफिकेशन। प्लीज डू रिमेंबर, तो एंड मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो मेलनकॉली डार्कनेस क्या करती है, वो रो रही है, और उसका जो रोने का जो रिजल्ट है, जो टीयर्स गिर रहे हैं वही क्या है, वही रेन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट ने कैसा यहाँ पर इमेजिन किया है कि यही जो है वो रेन है, जो डार्कनेस के जो रोने का प्रोसेस है वही एक तरीके से क्या है, रेन है। लेकिन बट पोएट फील्स इमेंस हैप्पीनेस, उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है, ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंगली ये तो एक सैड प्रोसेस है कि कोई दुखी है, लेकिन पोएट कह रहा है कि उसको जब रेन होता है तो रेन की वजह से उसको बड़ा क्या होता है, अच्छा महसूस होता है, और तकिए को प्रेस करके अपने कॉटेज चैम्बर के बेड में लेटे लेटे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा, द पोएट वॉन्ट्स टू से वट एवर ही वॉन्ट्स टू से, आई हैव जस्ट मेंशन यू, आपके सामने मैंने बताया कि वो क्या कहना चाहता है, उसको कैसा महसूस होता है, उसने रेन के पहले के प्रोसेस को भी समझाया आपको। अब सेकंड स्टेंजा, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड वीक कलेक्शंस वेब देयर एयर थ्रेड्स इन टू रूफ एज आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन।
फिर से हम यहाँ पर बात करेंगे उस डिफिकल्ट वर्ड्स की, आई थिंक याद करने का सोचा होगा तो डिफिकल्ट वर्ड्स में क्या है, सेकेंड स्टेंज में टिंकल, सॉफ्ट साउंड, रेन की वजह से किसी चीज की वजह से होता है, इसका मतलब वेरी सॉफ्ट साउंड दैट इज क्रिएटेड बाय द फॉलिंग ऑफ रेन, जैसे कि आप सिक्के वगैरह के गिरने के, कॉइंस वगैरह के गिरने, एक छोटा सा आवाज होता है उस तरीके से रेन की वजह से। अगला वर्ड क्या है, सिंगल्स, सिंगल्स आ जाते हैं वुडन फ्रेम, आपको पता होगा तो सिंगल्स मतलब आपको पता है वुडन फ्रेम जो होता है किसी चीज का, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ये आपके इसके मीनिंग बुक में ही आपको दे देंगे, तो वुडन टाइल्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में नॉट इन पत्ता हाउस, जो पहले के जो कच्चे कच्चा मकान होते थे, पत्ता हाउस कच्चा हाउस आपको मालूम होगा, तो कच्चा हाउस में आप लोग देखेंगे छत के ऊपर इस तरह नॉर्मल छत नहीं होती कि बिल्कुल क्लीन होती है, उसके ऊपर देखेंगे टाइल्स बिछाई गई होगी, ये वाली टाइल्स नहीं जो आपके फर्श पर होती है वो मिट्टी का बेक करके होता होगा, कच्चा घर में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कच्चा घर की जो रूफ होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा रूफ पर उनका जो रूफ बना होता है जैसे आप देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिंगल्स। एंड एको, एको मतलब गूंजना किसी चीज का, गूंजने से होता कोई चीज आवाज गूंजती है, रेजोनेट। तो अगला वर्ड इसमें आई थिंक रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मतलब क्या होता है, मेमोरी, यादें जो कि पास्ट में हो चुकी हैं बीत चुकी हैं, तो उसको हम यहाँ पर रिकलेक्शन बोलेंगे। और वो इसके लिए एक और वर्ड इसके यूज किया उसको वेब बोलते हैं, हम कह सकते हैं वेब मतलब फैब्रिक्स, कपड़े बुनते समय जो फैब्रिक्स आपस में एक दूसरे से क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोगों ने कहीं पर कभी देखा हो, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि जो कपड़े वगैरह वाले जो बनने वाले वेवर्स होते हैं, देखते ना वो कपड़े बनते हैं तो वहाँ पर वो कैसे जो अलग अलग थ्रेड्स को आपस में क्या करते हैं एक क्रिस क्रॉस वे में मैनेज करते हैं, तब क्या बनता है फैब्रिक्स बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो वो जो धागा होता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, मशीन पर जो लूम पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने हैंड लूम या पावर लूम कभी आप लोगों ने देखा होगा, तो जो उसका वो ताना होता है उसको वर्ड यूज करते हैं ताना वाक बोलते हैं, तो वहाँ पर जो धागे जो है एक सिस्टमैटिक पैटर्न में क्रिस क्रॉस वे में आपस में क्या किया जाते हैं सेट किया जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेफ्ट या वूफ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या बता रहा है, इन सेकेंड स्टैंजा पोएट इज टेलिंग द इफेक्ट कि पहले स्टैंजा में उसने क्या बताया कि पहले पार्ट में उसने बताया कि उस जब बारिश होती है तो पोएट फील्स हैप्पी, उसको बड़ी खुशी मिलती है, और किस किस चीज़ को खुशी मिलती है भी उसने बताया कि तकिए को प्रेस करने में और लेटे लेटे रेन ड्रॉप्स के जो फॉलिंग होने से जो साउंड क्रिएट होता है पैटर्न उसको सुनने में। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसकी वजह से उसको कैसा महसूस होता है, जैसे क्या इफेक्ट होता है उसके माइंड में, व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट इज क्रिएटेड बाय रेन ऑन द पोएट्स माइंड, पोएट के दिमाग में उसमें कैसा होता है, तो वही बता रहा है पोएट यहाँ पर, करें एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, पोएट करें एवरी टिंकल करें ईच ड्रॉप क्रिएट्स अ साउंड, हर ड्रॉप्स की वजह से जो साउंड होता है करें each and every drops that falls creates an echo, कह रहा है कि echo केवल बाहर ही नहीं हो रहा है, जैसे pattern केवल बाहर ही नहीं हो रही, कह रहा है rain drops के गिरने से जो उसके छत के ऊपर rain drops गिर रहे हैं उसकी वजह से जो sound create हो रहा है, कह रहा है that pattern that goes outside, इसका मतलब ये नहीं कि poet के अंदर भी heart के भी, कह रहा है each and every drops creates an echo inside the poet's heart, कह रहा है has an echo in the heart, तेरे पोइट के हेड में क्या हो रहा है, एको हो रहा है, आप
ड्रॉप्स की जो साउंड क्या हो रही है, गूंज रही है, पोएट के हार्ट में रेजोनेट हो रहा है, गूंज रहा है। जैसे आप गूंजना मतलब आप जानते हैं, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं तो काफ़ी देर तक बाहर वार गए, किसी बंद कमरे में बोले, या जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भी थोड़ी आवाज़ गूंज रही होगी आपको, दैट्स कॉल्ड एको। तो एको हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, वो एको पोएट के एको पोएट के हार्ट में, वो आवाज़ कहाँ गूंज रही है, रिवर्बरेट्स इनसाइड पोएट, पोएट हर्ट, पोएट के हार्ट में गूंज रही है, इन हिज हार्ट। एंड नाउ द इफेक्ट्स, तो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, पोएट के हार्ट में एको हो रहा है, ईच एंड एवरी ड्रॉप्स का जो साउंड है, टिंकलिंग साउंड जो है, उसमें से पोएट के हार्ट में भी गूंज हो रही है। और लेटर ऑन क्या हो रहा है, एंड थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज, फैंसी मतलब इमेजिनेशन, एक वर्ड और यहाँ पर फैंसी कल्पना इमेजिनेशन। तो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस एको क्या हो रहा है, थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज, कह रहा है बहुत सारे सपने जो है, हजारों ड्रीमिंग फैंसीज कहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, पोएट के माइंड में जनरेट हो रहे हैं, बिजी बींग स्टार्ट रेडी टू स्टार्ट, कह रहा है कि तुम शुरू होने के लिए रेडी है, आई एम टू बिजी बींग स्टार्ट, दे आर रेडी टू इंटरमिंगल एंड बींग स्टार्ट, पोएट के माइंड में ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ रेन। एंड केवल कह रहे हैं ड्रीम्स ही नहीं, ड्रीम्स के साथ साथ क्या हो रहा है, एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस। थोड़ा सा यहाँ पर बी वेरी केयरफुली, जो अगली दो लाइन है इसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा मैं कहूँगा इन माई वर्ड्स अ बिट डिफिकल्ट। थाउजेंड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस एंड आई टोल्ड यू रिकलेक्शंस मतलब मेमोरी, जो जो यादें हमारी, कह रहा है कि ड्रीम्स के साथ साथ ड्रीम्स भी स्टार्ट होने को है, तमाम तरीके के सपने पॉइंट के अंदर क्या हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं स्टार्ट होने के लिए। एनी वन कैन बी, किसी भी सपने में खो सकता है, एक तरीके के लिए सपना आप देखते हैं आपको पता होता है, बहुत सारे सपने आपके दिमाग में, कोई भी आपको पता नहीं होता, बहुत सारे सोते हैं तो कभी कभी सपने आते हैं, कई तरीके के सपने आप देख लेते हैं। तो इन टू बिजी बिग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट होने को कह रहा है, अलॉन्ग विद दैट थाउजेंड रिकलेक्शन, कह रहे नॉट ओनली ड्रीम्स रिकलेक्शंस, यादें मेमोरीज भी रेडी हैं, और मेमोरीज क्या कर रही हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू, ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पर बिट डिफिकल्ट मैंने बताया, कह रहा कि मेमोरी जो है पोएट के दिमाग में जो जनरेट हो रही हैं, एक दो नहीं हो रही है, चारों यादें पोएट के दिमाग में क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल हो रही है, मिक्स हो रही है आपस में एक दूसरे से, जैसे कैसे मिक्स हो रही है, जैसे कि ये मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है, अब इस कपड़े को आप देखेंगे या फिर और भी कोई कपड़ा देखिए, तमाम तरीके के जो है थ्रेड्स जो धागे होते हैं आपस में मिल करके क्या करते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं, एक पैटर्न बनता है। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ नॉर्मल थ्रेड्स रिजल्ट्स इनटू नॉर्मल थ्रेड रिजल्ट इनटू अ फैब्रिक, एक प्रॉपर गारमेंट बनता है, कपड़ा बनता है जिसको आप पहनते हैं अच्छा लगता है। उसी तरीके से कह रहा जो आपके मेमोरी के जो यादें हैं, जो मतलब आपकी जो मेमोरी सॉरी जो आपकी मेमोरीज है, अगर पोएट के दिमाग में जो यादें हैं वो हजारों यादें क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, दे आर इंटरमैंगलिंग विद वन अनदर टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल मेमोरी, टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। प्लीज इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये धागे दिमाग में जो आपके मेमोरी के धागे मतलब तरीके से कह रहे हैं कि जो उसके यादों के जो धागे एयर थ्रेड्स हैं जो ऐसे तो एग्जिस्ट हो नहीं सकते, कपड़े में तो थ्रेड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, कपड़े में तो थ्रेड्स होते हैं लेकिन वहाँ पर पॉइंट कैसे करें, यादों के धागे मेमोरी एयर थ्रेड्स। तो ये एयर थ्रेड्स क्या है, आप देख रहे हैं तमाम तरीके की आपको यादें आपके दिमाग में स्टोर हैं, कभी कभी आप उन पर एक्सेस भी करते हैं, देखते हैं एक तरीके से कह रहे हैं जैसे कपड़े के धागे होते हैं, उस तरीके से यादों के धागे क्या हो रही है, मेमोरीज वो जो थ्रेड्स हैं यहाँ पर क्या है, एयर थ्रेड्स, वो क्या करेंगे, वो तो कह रहे हैं दीज आर इंटरमिंगलिंग, वे आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरमिंगलिंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। जैसे कि ये आपके नॉर्मल धागे क्या होते हैं, आपस में वेब होकर के क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल फैब्रिक क्रिएट बनता है, एक अच्छा कपड़ा बनता है जिसको आप पहनते हैं, कपड़ा अच्छा पहनने से क्या होता है, आपको खुशी मिलता, आप हैंडसम दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, स्मार्ट देखते हैं। उसी तरीके से क्या करें, पोएट के दिमाग में
रेन का इफेक्ट क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो उसके दिमाग में हजारों जो एयर थ्रेड्स हैं ऑफ हिज पास्ट मेमोरीज आर इंटरमिंगलिंग, आपस में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होकर क्या करें, क्यों मिक्स हो रहे हैं, टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेमोरी, जिसको कि पोएट क्या करेगा, ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट होंगी तो क्या होगा, उसको महसूस करेगा, जब कोई आपके ब्यूटीफुल मेमोरीज को आप याद करते हैं आपके दिमाग में आता है तो क्या मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आपके जो पहले की जो यादें हैं जिसमें कि आपने कुछ अच्छा किया, आपको बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, मेमोरीज हैं, तो आप उसको सोचते हैं तो क्या होता है, आपको खुशी मिलती है, यू फील बेटर, यू फील हैप्पी। तो एक तरीके से रेन का उसने कितना बताया कि रेन कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट, इट कैन लीड यू इनटू योर पास्ट मेमोरीज, गुड पास्ट मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज। तो क्या करता है एक तरीके से रेन क्या, एक तरीके से इट इज अ जनरेटर ऑफ गुड थॉट्स, गुड मेमोरीज, सॉरी गुड मेमोरीज, आपके जो दिमाग में जो ब्यूटीफुल मेमोरीज स्टोर है उनको क्या करता है एक तरीके से उनको स्टार्ट करता है, उनको क्या करता है एक तरीके से एक्सेस करता है आपके दिमाग में, आपको एक्सेस देता है उसका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये वाला जो लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर पॉइंट बताना क्या चाहता है। तो इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से कि रेन की वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेन पोएट के दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं स्टार्ट होने के लिए, और नॉट ओनली ड्रीम्स, बहुत सारी यादें भी उसके दिमाग में क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, और वो मेमोरीज क्या हो रही हैं, एयर थ्रेड्स ऑफ हिज मेमोरीज आर इंटरमिंगलिंग इनटू वन अदर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ मेमोरी, एक अच्छी याद के लिए आपस में क्या हो रही है, आपस में उनके जो मेमोरीज के जो धागे हैं, एयर थ्रेड्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपस में मिक्स हो रहे हैं एक बेहतर मेमोरी क्रिएट करने के लिए। एंड कम वेब देयर एयर थ्रेड्स इनटू मूव एज आई लिसन टू द पैटर्न ऑफ द रेन ऑन द रूफ। कब ऐसा होता है, जब वो उस पैटरिंग साउंड को सुनता है जो उसके छत पर बारिश के बूंदों की गिरने की वजह से क्रिएट हो रहा है। सो इन दिस सिस्टम जहाँ पोएट बेसिकली depicts the effect of rain, कि बारिश होने से, जो बारिश का पैटरिंग साउंड सुनने से उसके माइंड और हर्ट पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके हर्ट में, एक एक ड्रॉप्स के साउंड क्या हो रहे हैं, इको हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, पोएट का दिमाग जो वो अपनी मेमोरीज में खो जाता है, अपनी ड्रीम्स में खो जाता है, सपने उसके दिमाग में बहुत सारे बनने लगते हैं, माइंड में बहुत सारी मेमोरीज जनरेट होती हैं, मेमोरीज आपस में क्या कर रही हैं, thousand memories are intermingling into one another to create a fine picture of memory, तरीके से आपस में मिल करके अच्छी याद तैयार कर रही है, इसीलिए आपस में मिल रही है। बट द पर्पज ऑफ इंटरमिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग आपस में मिक्स होना, मिक्स का मतलब ऐसे नहीं सिस्टमैटिक पैटर्न। तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको समझाया, जैसे कपड़े हैं, कपड़े में अलग अलग कलर के धागे क्या होते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, बहुत सारे धागे आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल फैब्रिक क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से पोएट के दिमाग में क्या हो रहा है, बहुत तरीके के जो यादों के जो धागे हैं, एयर थ्रेड्स, वो क्या है, आपस में मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होकर क्यों मिक्स हो रहे हैं, टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल मेमोरी, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ मेमोरी, एंड जिसको क्या करेगा, व्हेन पोएट विल फील दैट, उसको बेहतर महसूस होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो लास्ट स्टेंजा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसके दूसरे पार्ट में आपको भेज दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होने पर अपलोड होने में बड़ी दिक्कत होती है। सो आई होप आपको दोनों स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आपको जैसे मैंने बताया है कि आप मुझसे एक तरीके से मुझे लिख के भेज सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। सो सी माई नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।